ग्रीन एग्री चैनल आज का टॉपिक कॉमन टोमेटो प्लांट एलिमेंट्स नितेश कुमार साहू। वायरस लक्षण, यदि यह अंकुरित अवस्था में पौधों को संक्रमित करता है तो वायरस पौधे की ताजा पत्तियों तथा शाखाओं में विकास अवरुद्ध कर देता है, जिसकी वजह से कभी कभी पौधा झाड़ीनुमा बन जाता है। पुराने पौधों में संक्रमण की वजह से पौधों की अत्यधिक शाखाएं निकल आती हैं, पत्तियां मोटी और झुर्रीदार हो जाती हैं, और पत्तियों की सतह पर अंतःशिरापर्ण हरितहीनता क्लोरोसिस हो जाती है। एक नियंत्रण येलो लीफ कर्नल वायरस का कोई इलाज नहीं है। वायरस के संक्रमण या फैलाव से बचने के लिए सफेदी मक्खी की आबादी को कम करें। निवारक उपाय, क्यारियों को ढकने के लिए और सफेद मक्खियों को पौधों तक पहुंचने से रोकने के लिए जाल का उपयोग करें। सफेद मक्खियों के जीवन चक्र को तोड़ने के लिए क्यारियों या खेतों को पलवार से ढक कर रखें। कद्दू और खीरे जैसे गैर संवेदनशील पौधों की कतारों के साथ फसल पाते हैं, सफेद मक्खियों की सर्वोच्च जनसंख्या से बचने के लिए जल्द ही रोपाई करें। लक्षण, नई पत्तियों पर बैंगनी या भूरे रंग के धब्बे होना इसके आरंभिक लक्षण हैं। ये लक्षण ज्यादातर पौधे के ऊपरी हिस्से में दिखाई देते हैं। तनों और युवा पत्तियों पर बैंगनी धारियां और छोटे गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। कभी कभी ये एक के अंदर एक छल्ले बना लेते हैं। जब ये एक दूसरे से मिल जाते हैं तो पत्ती के बड़े हिस्से को ढक लेते हैं, जिससे अंत में ऊतक गलने लगते हैं। तनों और डंठलों पर गहरी भूरी धारियां दिख सकती हैं। पौधे के गलन से सबसे ज्यादा कोम्पलें प्रभावित होती हैं। कुछ शिकारी घुन थ्रिप्स के लावा और प्यूपा को खाती हैं और फूलों को छोड़कर पत्तियों पर हमला करने वाली किस्मों के विरुद्ध नीम का तेल या स्पाइनोसेड इस्तेमाल करके देखें। विशेष तौर पर पत्तियों की निचली सतह पर स्पाइनोसेड का इस्तेमाल बहुत प्रभावी है, लेकिन कुछ विशेष प्राकृतिक दुश्मनों जैसे शिकारी घुन सिरिफिड फ्लाई लावा मधुमक्खियां के लिए विषाक्त हो सकता है। निवारक उपाय, खेत के अंदर और आसपास खरपतवार नियंत्रक करें। ग्रेटर दैन वैकल्पिक मेजबान कीड़े या विषाणु से संभावित रोग के पास राशन करने राहत मिलती है। ग्रेटर दैन बड़े क्षेत्र में बड़ी तादाद में तैला को पकड़ने के लिए चिपचिपे जालों का इस्तेमाल करें। फेलियर टू राइपन वन, तापमान 60 डिग्री से नीचे या 90 डिग्री से ऊपर। दो, संकुचित मिट्टी और अत्यधिक गीली मिट्टी जड़ प्रणाली को बाधित करती है, जो फल पकने को प्रतिबंधित करता है। तीन, कम पोटेशियम पोटाश स्तर उचित फल विकास को रोकता है और परिपक्वता, हालांकि बहुत अधिक पोटेशियम को कम कर सकता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का अवशोषण का पीछा करो। मिट्टी की उर्वरता को समायोजित करने के लिए एक मिट्टी परीक्षण से सिफारिशें। लुक अलाइक विविधता के आधार पर एक पका हुआ टमाटर विस्तृत हो सकता। रंगों की विविधता, लाल, नारंगी, गुलाबी, पीला, भूरा, हरा धारीदार या सफेद, नीचे की छवि का अपेक्षित रंग जानिए अपने टमाटर को पकने में विफलता का संदेह करने से। ब्लॉसम एंड रॉट खिलने वाली सरांध का एक प्रारंभिक लक्षण है। एक हल्का तन पैच हरे फल का खिलना। समय के साथ क्षेत्र अंधेरा हो जाता है, भूरा या काला और धंसा या चमड़ेदार हो सकता है। फल जो है एक तिहाई से एक आधा विकसित सबसे अधिक प्रभावित होता है। कभी कभी एक आंतरिक काले सड़न के केंद्र में विकसित होगा कम या कोई बाहरी लक्षण के साथ फल। टमाटर की कुछ किस्में जैसे कुछ रोमा प्रकार के टमाटर खिलने के लिए अधिक अंत होते हैं दूसरों की तुलना में सरांध। टोमेटो फ्रूटवर्म टमाटर फलों के कीटाणु का प्रमाण आमतौर पर एक दृश्यमान ब्लैक होल होता है, फलों के तने का आधार। जब टमाटर काट दिया जाता है तो सुरंग बनाना होता है स्पष्ट और गुहा में फ्रज और क्षय के साथ साथ हो सकता है कृमि कैटरपिलर की।
कैटरपिलर का रंग भिन्न हो सकता है, पीला, क्रीम या हरा, लगभग काला। 6. सनस्कॉल्ड सनस्क्रीन आमतौर पर हरे फल पर शुरू होता है। सफेद या पीले छाले होंगे सूरज की ओर देख रहे फल के किनारों पर विकसित करें। साथ में सूरज के लगातार संपर्क में रहने से क्षतिग्रस्त क्षेत्र बन सकते हैं। पपड़ी चपटा और सफेद सफेद ब्लैक मोल्ड में बढ़ सकता है। पेपरी पैच और फल सड़ने का कारण बनता है। हॉर्नवर्म्स हॉर्नवर्म स्फिंक्स पतंगों के अलावा चरण कैटरपिलर हैं। टेल हॉर्न या स्पाइक के कारण उन्हें हॉर्नवर्म कहा जाता है उनके दर्जी पर। इन कैटरपिलर में तेज भूख है और थोड़े समय में पूरी पत्तियों और छोटे तनों का सेवन कर सकते हैं। वे हरे फल से बड़े टुकड़े भी चबा सकते हैं। आमतौर पर इसके शीर्ष पर तने के पास का फल हॉर्नवर्म क्षति स्पष्ट है जब बड़ी मात्रा के कारण संक्रमण मध्यम से भारी होता है। मलत्याग करना बड़े कैटरपिलर और बड़े काले रंग के लिए खोजे पौधे के नीचे पत्तियों या जमीन पर बूंदे। 8. स्क्विरल्स गिलहरी उन फलों को पसंद करती है जो पकने लगते हैं और अक्सर खाते हैं। टमाटर को छोड़ने और आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ ही काटता है, अन्य ढूंढे। 9. फ्रूट रॉट्स बैक्टीरिया और कवक दोनों फल में खुलने के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं, या तो प्राकृतिक उद्घाटन के माध्यम से या घावों के माध्यम से। कोई चोट टमाटर फल सड़ने के लिए एक प्रवेश बिंदु प्रदान कर सकता है। फलों के धब्बे कीट भक्षण खुर फूटना खिलना सड़ना कुछ ही है ऐसी स्थितियों के उदाहरण जो फलों के सड़ने के लिए प्रवेश बिंदु प्रदान कर सकते। अर्ली ब्लाइट प्रारंभिक दृष्टि टमाटर फल क्षेत्र के तने के छोर को संक्रमित करती है जहां फल सटेम से जुड़ता है। यह एक श्रृंखला के रूप में प्रकट होता है। गाढ़ा छल्ला फल किसी भी स्तर पर संक्रमित हो सकता है। विकास हालांकि लक्षण फल तक ध्यान देने योग्य नहीं हो सकते हैं।